क्या है अलावा नंबर, गुजरा से देखिए हम लोग कहा गया है कॉस कितना है, कॉस 3π/4 प्लस एक्स, कॉस 3π/4 प्लस एक्स है, हाँ माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। प्रूफ करना है ये होगा -√2 sin x, ये चीज आपको जो है ये प्रूफ करना है। चलते हैं हम लोग एडजस्ट को पकड़ करके, ठीक है। यहां पर जो है इसको आप कुछ देर के लिए अगर आप लोग अगर सी पढ़ लें और इसको कुछ देर के लिए डी पढ़ लें तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला जो है वो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको नजर आएगा। यह नहीं तो आप इसको सिंपल cos a प्लस बी, इसको a इसको भी cos a प्लस बी और इसको cos a माइनस बी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो जाएगा cos a प्लस बी और यहां पर इसको cos a माइनस बी में भी इसको ब्रेक करके आप जो है बना सकते हैं, लेकिन उससे जो है काफी लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, -2 sin c + d/2 × sin c − d/2। तो यहां पर c कितना है, c कितना है 3π/4 प्लस एक्स, c प्लस d, तो d कितना है 3π/4 माइनस एक्स बटे टू, मैंने बटे टू ये हो गया। इसके बाद इंटू में होगा फिर से साइन c माइनस डी बटे टू, तो c हो गया ये माइनस डी, डी हो गया ये, यही हो गया, बिल्कुल यही हो गया, अरे बटे टू, चूंकि यहां पर माइनस अंदर जाएगा तो वहां पर x में जो है ये प्लस हो जाएगा, माइनस को अगर अंदर जब भेजेंगे तो ये x हो जाएगा, प्लस x हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से अगर देखें तो x और x कैंसिल हो गया, यहां से अगर देखें तो 3π/4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, -2 बचा, साइन बचा, हाँ और क्या बचा, और यहां पर ये बचा कि 3π/4 प्लस 3π/4 ये कितना होगा 6π/4, ये हो गया 6π/4 और बटे में 2, ठीक, इंटू साइन, यहां पर कितना बचा 2x/2, यही बचा, बिल्कुल यही बचा, तो यानी कि फाइनली जो है वो बचा -2 sin, हाँ और 6π/4 / 2, देखिए 6π/4 / 2 यही चीज बचा है। अब क्या करेंगे इसको अगर देखें हम लोग तो ये 6π/8 हो जाएगा, ये 3 ये 4 मीन्स 3π/4 बचेगा, फाइनली कितना बचेगा 3π/4 ही बचेगा, और इंटू यहां पर हो गया साइन एक्स, केवल ये बचेगा, हाँ यही बचेगा। अब देखिए क्या है कि -2 है इंटू साइन साइन, इसको इस तरह से ब्रेक कर रहा है जो कि ये मेरा रेंज में आ जाए, ठीक है, ये कुछ बाहर चला गया है रेंज से, तो 4 × 4 इसके करीबी है, तो पाई में से अगर हम π/4 को अगर घटा दें तो ये कहीं ना कहीं ये रेंज में आ जा रहा है, हाँ या ना, रेंज में ये आ जा रहा है, तो यानी कि ये हो गया -2 sin π/4 हो जाएगा, क्योंकि पाई में से कुछ ना कुछ जो है वो घट रहा है, और पाई में से अगर कुछ अगर घटेगा तो ये जाएगा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो केवल पॉजिटिव ही होगा और कुछ नहीं होगा। -2 × sin π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 और इंटू यहां पर हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर देखें तो ये -2 को अगर हम लोग रेशनलाइज अगर कर दें तो -2/√2 ऊपर में भी √2 नीचे भी √2 × sin x, तो क्या होगा कि ऊपर में बचेगा -2√2, नीचे बचेगा केवल 2 और यहां बचेगा साइन एक्स। अब यहां से जो क्या होगा कि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा केवल इतना जो कि हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया था, ठीक है, जो कि हमको प्रूफ करने के लिए भी कहा गया था, तो केवल रेशनलाइज कर दीजिए तो वहां से जो है आंसर जो है मेरा निकल जा रहा है।